करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। परम पूज्य बाबा नीमकौली महाराज जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत भी है। महाराज जी हो या हनुमान जी, दोनों को पाने का एकमात्र माध्यम प्रेम और सत्य की राह है। अगर भक्त सत्य के मार्ग पर टिका हो और मन में अथाह प्रेम भरा हो तो उसे अगले ही चरण प्रभु हनुमान जी या महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। साथियों, ईश्वर की प्राप्ति किसी भी इंद्रिय से नहीं की जा सकती। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मंदिर जाकर हनुमान जी पर क्रोध करे या हनुमान जी को भय दिखाए या हनुमान जी से ईर्ष्या करे या उन्हें कोई लालच दे और फिर उसका काम भी बन जाए? ऐसा कभी नहीं होता है। ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ प्रेम भाव से की जा सकती है। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने अपने भक्त के अहंकार को चूर चूर किया। आप सभी ने महाराज जी के अनन्य भक्त रहे रामदास के बारे में सुना होगा, जो कि एक अमेरिकी भक्त है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। यह घटना रामदास के शुरुआती दौर की है, जब वह शुरुआत में भारत आए थे। रामदास दिल्ली से अपने मित्र के साथ कैंची धाम पहुंचे। रामदास को मित्र ने सलाह दी थी कि यह कैंची आश्रम एक बहुत ही सिद्ध बाबा नीमकौली महाराज जी का है और वह सिद्ध ही नहीं, ईश्वर का अवतार भी हैं। रामदास ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। अनमने मन से वह फिर भी अपने मित्र के साथ कैंची आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो भक्त लोग महाराज जी के दर्शन करने आते हैं वह महाराज जी के चरण छूते और कुछ भक्त तो प्रेम भावन में महाराज जी के चरण पकड़े पकड़े रोने लगते और उनके अश्रुओं से महाराज जी के चरण पकारते। यह दृश्य रामदास को बड़ा ही विचलित कर गया। उन्हें यह जरा भी अच्छा नहीं लगा कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के चरण पकड़े और उनके चरणों को अपने अश्रुओं से धोए। रामदास ने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह बाबा नीमकौली के चरण नहीं छुएगा और ना ही अपने अश्रुओं को महाराज जी के चरणों में व्यर्थ करेगा। अंतर्यामी बाबा महाराज तो सब जानते थे, रामदास का वहां आना तो एक बहाना था, यह महाराज जी का ही बुलावा था कि रामदास को अमेरिका से वहां खींच लाए। जब रामदास महाराज जी के समीप पहुंचा तो महाराज जी ने रामदास की ओर देखा भी नहीं। वह अन्य भक्तों की तरह इस तरह देखते रहे जैसे रामदास वहां पर उपस्थित ही नहीं है। यह बात रामदास को और ज्यादा विचलित कर गई और उन्हें बड़ा ही अपमानित महसूस हुआ। तत्पश्चात रामदास के मित्र ने महाराज जी के दर्शन किए और वे लोग बाहर आ गए। कुछ देर वह कैंची आश्रम में बैठे रहे, फिर रामदास कैंची आश्रम में उपस्थित अन्य अमेरिकी और पाश्चात्य भक्तों से मुलाकात करने लगे। आप जब कैंची आश्रम गए होंगे तो आपने हनुमान जी के विग्रह को देखा होगा और हनुमान जी के विग्रह के ठीक सामने चबूतरे पर महाराज जी का तख्त भी आपने देखा होगा और उस तख्त के पीछे जो कमरा है वहां पर महाराज जी अक्सर विश्राम किया करते थे और बाहर आकर उसी तख्त पर विराजमान हुआ करते थे। उस समय रामदास पाश्चात्य भक्तों के साथ हनुमान विग्रह के नजदीक ही उपस्थित थे। अचानक महाराज जी उठे और कमरे में चले गए और कमरा अंदर से बंद कर लिया। रामदास के मन में लगातार महाराज जी के प्रति नफरत पैदा हो रही थी और वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि इस मनुष्य में ऐसा क्या है, क्यों ये लोग इस मनुष्य के पीछे इतना पागल हो रखे हैं और लोग इतनी दूर अमेरिका से आकर इनके चरण छू रहे हैं और इनके चरणों में अपने अश्रु समर्पित कर रहे हैं। यह सब कुछ महाराज जी द्वारा रचित घटना के अनुसार ही घट रहा था। उस समय उस तख्त पर जहाँ महाराज जी बैठा करते हैं उस पर भक्तों द्वारा समर्पित कुछ फूल रखे थे। रामदास की निगाह अचानक उन फूलों पर गई और एकटक उन्हें निहारने लगा। पता नहीं क्या हुआ, रामदास उन फूलों में इतना खो गया था कि उसे अपने अन्य पाश्चात्य मित्रों का आभास तक न रहा। तभी रामदास ने देखा कि तेज हवा चली है और तख्त पर रखे फूल डगमगा रहे हैं। जो कि रामदास एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे और उन्हें प्रकृति से अथाह प्रेम भी था। रामदास बिल्कुल ही सामान्य भाव से खड़े हुए और उस तख्त की ओर गए जहाँ पर वो फूल थे। उन्हें चिंता थी कि फूल नीचे न गिर जाए। जो ही रामदास सीढ़ियों के नजदीक पहुंचे अचानक से एक फूल तख्त से नीचे गिर गया और उसे उठाने के लिए रामदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसी क्षण महाराज जी के कमरे का द्वार खुला और अचानक तेज कदमों से महाराज जी बाहर आए। इससे पहले कि रामदास फूल उठा पाता, महाराज जी का एक पैर रामदास के हाथ के ऊपर आ गया। रामदास को महाराज जी के चरणों के नीचे दबे अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा। उन्हें अचानक यह आभास होने लगा कि उनके हाथ पर किसी ने बहुत ही भारी पत्थर रख दिया हो। उस भाव में रामदास ने अपना हाथ निकालने के लिए अपना बाहिना हाथ महाराज जी के चरण के ऊपर रखा और जो ही उन्होंने अपना बाहिना हाथ महाराज जी के चरण पर रखा, अचानक महाराज जी के पैर का भार असीमित बढ़ने लगा। रामदास को लगा कि अब उनकी हाथ की हड्डियां टूटकर चूर हो जाएंगी। यह बड़ा ही विचित्र दृश्य था कि महाराज जी के चरण के नीचे रामदास का दाहिना हाथ दबा था और महाराज जी के चरण के ऊपर रामदास का बायां हाथ था और लगातार रामदास की आंखों से गिरते आंसू उनके बाहिने हाथ से होते हुए महाराज जी के चरण धो रहे थे। तभी अचानक रामदास को वह दृश्य याद आया जब उसने शुरुआत में यह देखा था कि भक्त महाराज जी के चरणों में किस तरफ से फफक कर रो रहे थे और उनके आंसुओं से महाराज जी के चरण धुल रहे थे। वह क्षण भर में रामदास अंदर से इस तरह से बिखर गए और उन्हें ज्ञात हो गया कि यह जो दृश्य घटा है यह महाराज जी द्वारा रचित लीला है। महाराज जी की लीला के अंतर्गत रामदास अपने आप महाराज जी के चरण पकड़कर उनके चरण को अपने अश्रुओं से धो रहे थे। रामदास को यह समझते देर न लगी कि सामने जो खड़े हैं वो अवश्य ईश्वर का अवतार हैं, क्योंकि उस क्षण समय
स्थिति, मनुष्य सभी कुछ एक ऐसे धागे में बंधे थे जो धागा ना तो कोई मनुष्य सोच सकता है, ना ही कोई मनुष्य पिरो सकता है। महाराज जी ने उस छोटे से क्षण में रामदास के अहंकार को चूर चूर कर दिया और रामदास आगे चलकर महाराज जी का परम भक्त बन गया। तो साथियों, आपने देखा कि परम दयालु बाबा महाराज किस तरह अपने भक्त के अहंकार को चूर चूर कर देते हैं और उसके हृदय में प्रेम का अथाह सागर भर देते हैं, ताकि उस सागर में महाराज जी स्वयं विद्वान रह सकें और उस भक्त के इष्ट भी उसके अंदर समाहित रह सकें। भक्ति ऐसी कीजिए जहाँ हृदय में आपके ईश्वर हर क्षण रहते हो, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपनी मुसीबत के हिसाब से ईश्वर को पुकारते हैं और ईश्वर आपके लिए आते भी हैं, आपका कल्याण भी करते हैं, वह भक्ति नहीं है, वह सिर्फ लेन देन है। आशा करते हैं आपको आज का प्रसंग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी चिरपरिचित लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब तक पहुँचाइए, ताकि सभी तक महाराज जी का इतना प्रेम रस भरा कथा प्रसंग पहुँचे और सभी महाराज जी की भक्ति का आनंद लें। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।